नमस्कार साथियों, इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों दोस्तों, विश्व में जो सिचुएशंस बन रही हैं, वार जो अभी छिड़ गया है इजराइल और ईरान में, इसका इफेक्ट मार्केट पर हमें सोमवार को देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? आपको ऐसे समय में एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो आपको लॉस से बचा सके। अगर ये युद्ध आगे और बढ़ता है तो आपको बहुत अधिक लॉस ना हो, या जिन शेयर में आप प्रॉफिट में हैं उसका आप प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं, पर जिन शेयर में आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है उसमें आप निश्चिंत होकर उसमें मार्केट में बने रह सकते हैं। क्योंकि मार्केट में जो ये सिचुएशन है, कोई अभी आपको कंफर्म कुछ नहीं बता सकते। क्योंकि अगर मान लो ये युद्ध आगे बढ़ता है और इजराइल दोबारा से पलटवार ईरान पे करता है तो स्थिति खराब हो सकती है। पर कोई भी देश है वो युद्ध नहीं चाहेगा, क्योंकि अभी अभी सभी देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें थोड़ी बहुत रिकवरी देखने को मिली है। और जैसे ही ये युद्ध की सिचुएशन हमें दिखाई दी तो उसका इफेक्ट जो मार्केट है, अमेरिका ने तुरंत इसमें हस्तक्षेप करते हुए कहा, और इजराइल को भी उसने समझाने की कोशिश की कि अगर वो युद्ध में आगे बढ़ता है तो अमेरिका उसके साथ नहीं रहने वाला। और भारत की जो स्थिति देखें तो भारत पहले से ही युद्ध में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहने की हमारी स्ट्रेटजी रही है, और युद्ध का हमारे ऊपर कोई ज़्यादा लंबे समय तक प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर जो क्रूड ऑयल है हमें वो विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिस कारण से जो पेट्रोलियम डीजल या और चीज़ें हैं उनके भाव बढ़ने के कारण हमारे देश पर इसका सीधा सीधा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ईरान जो क्रीड ऑयल का काफ़ी बड़ा उत्पादक है, और अगर युद्ध छिड़ता है तो पूरे विश्व में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। क्रीड ऑयल प्राइस हैं जो वो बढ़ जाएंगे, जिसका सारे देशों की इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ सकता है। तो युद्ध जितने जल्दी ये शांत हो जाए उतना सभी के लिए बेहतर रहेगा। आपने मार्केट पे निगाह बनाए रखनी है। सवेरे अगर मार्केट नेगेटिव खुलते हैं तो आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि जिन शेयरों में आप प्रॉफिट हैं उसका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और ऐसी प्लानिंग कर सकते। अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए मार्केट में इंटर हुए हैं तो आप मार्केट में अगर प्रॉफिट में हैं तो उसमें से अपना जो प्रॉफिट है बुक करके निकल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट को अपना सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है। और यदि आप लॉस में हैं तो मार्केट में अपने आप को बनाए रख सकते हैं। और अगर बाजार गिरते हैं, लोगों की बिकावली पर निगाह रखनी ज़रूरी है। कल मार्केट के सेंटिमेंट क्या रहने वाले हैं इस वीडियो पर कमेंट कर जरूर मुझे बताएं। हालांकि जो हम अगर पिछले दो युद्धों को देखें तो उसमें कोई खास प्रभाव नहीं देखने को मिला था। रूस और यूक्रेन वार भी देख लें तो वो वार अभी भी चल रहा, पर दुनिया ने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। तो ऐसे ही इस युद्ध का भी होने वाला है। 5-10 दिन तो मार्केट पे प्रभाव पड़ सकता है, पर बहुत अधिक लंबे समय तक इसका प्रभाव फिर नेग्लिजिबल हो जाता है। पर अगर स्थिति बिगड़ती है तो मार्केट पे जरूर इसका प्रभाव देखने को हमें मिल सकता है। अलर्ट में रहें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट खोलने का लिंक दिया है। नए इन्वेस्टर के लिए अच्छी सिचुएशन मार्केट में बन सकती है, तो अपना वो डीमैट अकाउंट फटाफट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके खोल लें, या मुझे व्हाट्सअप कर दें 9888538761 पर। मैं उनको उनका डीमैट अकाउंट खोलने में मदद करूंगा और बाज़ार में निवेश करने में भी मदद करूंगा। थैंक्स।